हेलो दोस्तों, ऑल अबाउट होम साइंस चैनल हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नेटजार एफटीजीटी पीजीटी को समर्पित एमसीक्यू सीरीज का यह 11वां भाग है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, आज मैं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, विकास के साइकोसोशल स्तरों के क्रम को सुनिश्चित करें। और इसमें पहला स्टेप है, इसे एरिक्सन ने दिया था। और एरिक्सन की मूल अभिरुचि इस बात में थी कि बालकों किशोरों आदि में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होती है और समाज उस पहचान को बनाने में क्या हेल्प करता है। चूँकि उन सिद्धांतों में व्यक्तिगत सामवेगिक सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है, अतः इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा गया। इसमें पहला जो सिद्धांत है, पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यह 0 से 1 साल के बच्चों में होता है और इसका गुण है आशा, जिसमें बच्चा जीवन के पहले वर्ष में अनुभव करता है। विकास के अनुभव में शारीरिक आराम, भविष्य के प्रति चिंता जैसी आवश्यकता रहती है। दूसरा है स्वायत्तता बनाम शर्म, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट। यह 1 से 4 साल के बच्चों में होता है। इसकी गुण होता है इच्छा, इसमें बालक अपनी इच्छा और अनुभव प्रकट करता है। अगर बालक पर अधिक बंधन लगाया जाए या कठोर दंड दिया जाए तो उनके अंदर शर्म व संदेह की भावना आ जाती है। तीसरा है पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। वह 4 से 5 साल के बच्चों में होता है और इसका गुण होता है उद्देश्य। इसमें जो बच्चा होता है वो चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है और उसको अपने शरीर, व्यवहार, खिलौने इत्यादि के बारे में ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। इसमें बच्चों में जिम्मेदारी की भावना का विकास किया जाता है। और अगर बालक गैर जिम्मेदार है, उसको बार बार टोका टोका जाए तो बालक के अंदर अपराध बोध की भावना का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है परिश्रम बनाम हीन भावना, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्रियोरिटी। यह 6 से 12 साल के बच्चों में होता है और इसका गुण है प्रतिस्पर्धा। और इसमें जैसे जैसे बालक पूर्व बाल्यावस्था के अंत तक जाता है, उसे अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। इस आयु के बालक में सीखने की क्षमता बहुत प्रबल होती है और यदि वह सीखने की क्षमता में असफल हो जाता है तो उसके मन में हीन भावना आ जाती है। और हमारा नेक्स्ट है पहचान बनाम पहचान भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। यह 12 से 18 साल के बच्चों में होता है और इसका गुण है विश्वास पात्र होना। और नेक्स्ट है हमारा आत्मीयता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसका एज है 20 से 30 साल और इसका गुण है प्यार। नेक्स्ट है हमारा जननात्मकता बनाम स्थिरता, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यह 40 से 50 साल की उम्र के लोगों में होता है और इसका गुण है देखभाल करना, केयर। और हमारा लास्ट में है संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर। यह 60 साल या उससे ज़्यादा के लोगों में होता है और इसका गुण है बुद्धिमत्ता पूर्वक। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्याजे की संज्ञानात्मक सिद्धांतों की अवस्था को सही क्रम में लगाएं। तो इसमें जो प्याजे थे, उन्होंने अपने आधुनिक बाल विकास विषय पर अधिक प्रभाव डाला है। इसमें पहला है उनका, उन्होंने 3 स्टेप में इसकी थ्योरी दी थी, जिसमें पहला है निर्माण और खोज। इसमें प्याजे ने बताया कि जो ज्ञानात्मक विचार केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित है। और दूसरा है कार्यक्रिया का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ ऑपरेशन। यह एक तरह का इस तरह का ऑपरेशन है कि यह मेंटल रूटीन पर डिपेंड करता है। जैसे इसमें 2 पार्ट आते हैं, पहला एसिमिलेशन, दूसरा एकोमोडेशन। एसिमिलेशन वो होता है जिसमें अपना जो विचार है उसके साथ साथ जो नए विचार आते हैं उसको भी अपने अंदर समाहित कर लेना। और जो एकोमोडेशन होता है, अपने विचार के साथ साथ दूसरे के जो नए विचार या नए आइडिया और स्कीमा हैं उनको एडजस्ट करना। इन दोनों में अंतर है। और जो तीसरा है और विकासात्मक अवस्थाएँ, इसमें पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। यह जन्म से 24 महीने तक की बच्चों में होता है। इसमें जो बच्चा होता है उसमें अनेक स्कीमा ऑफ एक्शन के सेट पाए जाते हैं। इसमें भी कई सब स्टेजेस हैं, इसको 6 भागों में बांटा गया है। ये मैं आपको आगे
एक्सप्लेन करूंगी। और दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह 2 से 7 साल के बच्चों में होता है। इस अवस्था में बच्चा नई सूचनाओं, नए अनुभवों का संग्रह करता है। इसमें ईगो सेंट्रिसिटी का भी उदय होता है बच्चों के अंदर। इसमें जो बच्चा होता है वह निर्जीव चीज़ों को सजीव समझने लगता है। एक तरह से बच्चों में ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का भी उदय होता है। दूसरा है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, यह 7 से 11 साल के बच्चों में होता है। इस अवस्था में उसे लंबाई, भार, चौड़ाई, गहराई, अंक इत्यादि के बारे में लॉजिकली बात कर सकता है। इसमें इंडक्टिव थिंकिंग का उदय होता है। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यह 11 साल के बच्चों से लेकर एडल्टहुड तक होता है। इस अवस्था में वह कल्पनात्मक ढंग से समस्याओं का विचार कर सकता है, अनेक ऑपरेशन को संगठित कर उच्च स्तर के ऑपरेशन का निर्माण कर सकता है। इसमें हाइपोथेटिकल रीजनिंग का उदय होता है, या इसे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी बोल सकते हैं। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है साइकोसेक्सुअल स्तर का सही क्रम बताइए, और इसका सही क्रम है ओरल स्टेज, यह 0 से 1 साल के बच्चों में होता है। इसमें बच्चा अपने मुंह, जीभ, होंठ इत्यादि को चूस करके या निगल करके अपने आप को संतुष्टि महसूस करता है। दूसरा है गुदी अवस्था एनल स्टेज, इसमें जो बच्चा है 1 से 3 साल का उम्र के बच्चे होते हैं। इसमें इस अवस्था में बच्चा मल मूत्र त्याग कर यौन संतुष्टि प्राप्त करता है। तीसरा है लिंग प्रधान स्टेज फैलिक स्टेज, यह 3 से 7 साल के बच्चों में होता है। इसमें जो बच्चा होता है वह लिंग का अंतर पहचान करने लग जाता है अपने भाई बहन को देख करके। इसमें जो कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होते हैं इस स्टेज में, लड़कों में ओडिपस होता है, लड़कियों में इलेक्ट्रा होता है। चौथा है अप्रत्यक्ष अवस्था लेटेंसी स्टेज, यह 5 से 12 साल के बच्चों में होता है। इस अवस्था में बच्चों की काम क्रियाएँ प्रायः शांत रहती हैं, जिसका मुख्य कारण समाज का भय रहता है। ये साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलने और गप्पे लड़ाने में इन्हें अच्छा लगता है। और हमारा लास्ट में है जननेंद्रिय अवस्था जेनाइटल स्टेज, यह 12 से 20 साल तक में होता है। इसमें जो लड़के लड़कियां होते हैं कहानी पढ़ने, मैगजीन वगैरह, दुःस्वप्न वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसी अवस्था में वो करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। और हमारा चौथा क्वेश्चन है कोलबर्ग के अनुसार नैतिक समझ के चरणों को सही क्रम में लगाएं, और इसका सही क्रम है पहला है दंड और आज्ञा पालन की ओर प्रवृत्त, दूसरा है प्रबोधन उद्देश्य की ओर प्रवृत्त, तीसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की ओर प्रवृत्त, चौथा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की ओर प्रवृत्त, पांचवा है सामाजिक संबंध स्थिति निर्धारण, और लास्ट में है सार्वभौमिक नेकी परख की अवस्था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक सिद्धांत को सही क्रम में लिखिए, इसका सही क्रम है इस सिद्धांत को रॉन बेन वेनर ने दिया था। इसमें जो पहला है लघुमंडल है, दूसरा है मध्यमंडल है, तीसरा है वाह्यमंडल है, चौथा है बृहत मंडल, और पांचवा है घटक मंडल। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का सोपानिक क्रम, तो इसमें पहला है शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा है सुरक्षा परक आवश्यकताएं, तीसरा है प्रेम परक आवश्यकताएं, चौथा है आत्मसम्मान परक आवश्यकताएं, पांचवा है आत्मसिद्धि परक आवश्यकताएं, छठा है अभिज्ञान की आवश्यकता, और सातवां है सौंदर्यात्मक कला परक की आवश्यकता। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लगाव के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो लगाव जो थ्योरी थी उसे बाउली ने दिया था, और इसमें पहला है लगाव का पूर्व चरण, दूसरा है लगाव का स्तर बन रहा है, और तीसरा है स्पष्ट तौर पर लगाव का चरण, और लास्ट में है पारस्परिक संबंध बनाना शुरू करना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे की सेंसरी मोटर की उप अवस्थाओं का सही क्रम, और इसका सही क्रम है पहला है रिफ्लेक्सिव स्कीम, दूसरा है प्राइमरी सर्कुलर प्रतिक्रियाएं, तीसरा है सेकेंडरी सर्कुलर प्रतिक्रियाएं, चौथा है सेकेंडरी सर्कुलर प्रतिक्रियाओं का तालमेल, पांचवा है टर्सरी सर्कुलर प्रतिक्रियाएं, छठा है मेंटल रिप्रेजेंटेशन,
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार जीवन चक्र की अवस्थाओं का अनुवर्ती क्रम बताइए। इसमें सही क्रम है, पहला है शिशुपालन अवस्था, दूसरा है विस्तारशील अवस्था, तीसरा है स्थापना अवस्था, चौथा है रिक्त घोंसला अवस्था, पांचवा है सिकुड़न अवस्था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्षति और शोक के चरणों का सही अनुक्रम। और सही अनुक्रम है, पहला है अस्वीकृत, दूसरा है क्रोध, तीसरा है सौदेबाजी, चौथा है अवसाद और लास्ट में है स्वीकृति। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।